मेरे प्यारे बच्चों, एक बार टीकपुर में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारे लकड़ियां काटते हैं ना, तो वह भी लकड़ियां काटता था। एक बार उसे लकड़ी काटने में बहुत समय लग जाना था, तो वह अपने परिवार को भी साथ में ले गया। उसने सोचा कि उसके बीवी और बच्चों के लिए पिकनिक हो जाएगी। वह लकड़ियां काट रहा था तो बच्चे खेल रहे थे, उसकी पत्नी ने खाना तैयार कर लिया और वह बच्चों का ध्यान भी रख रही थी। अब लकड़हारा भी थक गया था, उसके हाथ भी गंदे हो गए थे, तो उसने सोचा कि पास की नदी में नहाकर खाना खाते हैं। तो लकड़हारे की पत्नी नहाकर नदी किनारे ही बैठ गई। वहां पर परियों की रानी निकल रही थी। वह खुश हो गई और वह प्रकट हो गई, तो उसने परिवार से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम 3 वरदान मांग लो। तो पूरा परिवार सोच में पड़ गया कि क्या मांगना चाहिए। तो परियों की रानी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कभी भी वरदान मांग लेना, मैं दे दूंगी। ऐसा बोलकर परी तो वहां से चली गई। सब ने खाना खाकर आराम कर लिया, तो लकड़हारे की पत्नी सोच विचार करती रही। उसको अपनी शक्ल नहीं पसंद थी, वह सुंदर नहीं थी, तो उसने सोचा चलो ये वरदान मांगूंगी। तो उसने अगली सुबह परियों की रानी को याद किया, तो वह प्रकट हो गई। लकड़हारे की पत्नी ने बोला कि परी रानी, मुझे सुंदरता का वरदान दे दीजिए। तो परियों की रानी ने बोला, तथास्तु। लकड़हारे की पत्नी बहुत सुंदर हो गई, जिसको आप बोलोगे कि सबसे सुंदर महिला। राजा इधर से शिकार करके वापस जा रहा था, तो उसने लकड़हारे की बीवी को देखा। वह हैरान हो गया, उसने सोचा इतनी सुंदर महिला इस लकड़हारे के पास क्यों है, उसको तो महल में होना चाहिए, मैं इसे ले जाता हूं और अपनी रानी बनाकर रखूंगा। अब राजा ने उस महिला को घोड़े पर बिठा लिया और उसे अपने महल लेकर जाने लगा। लकड़हारा ये सब देख रहा था। बच्चे सुबह उठे तो उठकर अपनी माँ को ढूंढने लगे। जब उनको उनकी माँ नहीं दिखाई दी तो वह रोने लग गए। लकड़हारे से ये नहीं देखा गया, उसके वरदान की याद आई। वह भी परियों की रानी को याद करने लग गया और प्रार्थना करने लग गया। तो वह प्रकट हो गई और बोली कि क्या चाहिए। तो लकड़हारे ने बोला कि हे परी रानी, मेरी पत्नी जहां कहीं भी है गधी में बदल जाए। परियों की रानी ने फिर से कहा तथास्तु। तो वैसा ही हुआ। राजा ने देखा कि उसके साथ घोड़े पर एक गधी बैठी हुई है, तो राजा ने उसे घोड़े से नीचे उतार दिया और ये कहने लगा कि ये तो जादूगरनी है। अब गधी को अपने बच्चे याद आए, तो वे भागकर बच्चों के पास आ गई। बच्चों के आगे पीछे घूमने लगी। बच्चे उससे डर गए। तो लकड़हारे ने बोला कि डरो मत, ये तुम्हारी माँ है। बच्चों ने सोचा हो ये क्या हो गया। अब की बार बच्चों ने भी परियों की रानी को याद किया, तो परियों की रानी प्रकट हो गई और बच्चों से बोली कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो बच्चों ने कहा कि हे परी रानी, हमारी माँ को वापस हमारी माँ बना दीजिए। अब फिर से वह गधी लकड़हारे की पत्नी बन गई, वह औरत बन गई। तो बच्चे बोले माँ आ गई, माँ आ गई, और खुश हो गए। बच्चों, भगवान ने हमको जो सबसे बड़ा वरदान दिया है वह है हमारा दिमाग। उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अब लकड़हारे की बीवी ने 3 वरदानों को व्यर्थ गवा दिया। बच्चों, वह वरदान ठीक से मांगे होते तो कितना अच्छा होता। बच्चों, कुछ समझ आया? कैसी लगी कहानी?